हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो कि मोस्टली लॉजिंग के लिए यूज़ होता है। यहाँ इस वेबसाइट से आप लॉज मैनेजमेंट कर सकते हैं, रूम बुकिंग। तो वेबसाइट का नाम है hotel.nagarcity.in और यहाँ हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए जो यूज़र नेम पासवर्ड आपको दिया होगा उससे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, बाद में साइन इन कह देना। साइन इन हो जाने के बाद ये दिखेगा डैशबोर्ड इस तरह। इस डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि होटल संजीवनी ये नाम है, अभी इस होटल का डैशबोर्ड है। सोचिए चेक इन वाले दो बंदे, गेस्ट लिस्ट में दो है। चेकआउट जाने के लिए दो बंदे। डर्टी रूम मीन्स रूम खाली हो चुकी है और वो साफ करना बाकी है, तो वो वैसे दो रूम है। और यहाँ ये रेड कलर में दो रूम बुक है इसलिए इसका कलर रेड है, 101 और 104। यहाँ आप रेंट भी देख सकते हैं 700 और गेस्ट आईडी, यहाँ मीन्स गेस्ट का जो आईडी रहेगा वो 581 है, मीन्स 581। तो अब हम देखेंगे मास्टर में बिजनेस इंफॉर्मेशन ये जो यूज़ होती है, ये आप जो बिल देते हैं कस्टमर को उस बिल के ऊपर आपका होटल का नाम दिखेगा तो वो यहाँ से दिखेगा, और इस एड्रेस दिखेगा तो इस एड्रेस से दिखेगा, मोबाइल नंबर जो भी डिटेल है यहाँ से आपको बिल पे दिखेगी। अभी रूम टाइप क्या है, रूम के जो प्रकार रहेंगे और जो टाइप ऑफ रूम रहेंगे तो इस तरह के टाइप है। यहाँ आपको अलग रूम टाइप ऐड करना है तो भी आप ऐड कर सकते हो। अभी उस रूम टाइप ऐड करने के बाद आपको रूम डिटेल्स मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, AC डिलक्स के कौन सा रूम नंबर है, बाद में नॉन AC कौन सा है, तो उसका रूम नंबर डाल के उसका रेंट डाल के सबमिट करना है। तो इस तरह हम एक रूम, जितने भी रूम रहेंगे आपके अलग अलग टाइप के, तो उसके एक नंबर दे के रूम ऐड कर देंगे। अभी इस यहाँ आप देख सकते हैं 101 नंबर, 104, 108 और 112 ये रूम नंबर इस होटल के अवेलेबल है और ये यूज़ करते हैं। ऑक्यूपाइड मीन्स यस बोले तो ये ऑक्यूपाइड है और यन बोले तो ये अभी फ्री है। तो अभी ये हो गया रूम के बारे में। टैक्स इन्फो मीन्स जो आपका जीएसटी रहेगा नॉन जीएसटी रहेगा तो यहाँ से आप मेंटेन कर सकते हो। अभी सर्विसेज मेन क्या है, सर्विसेज में हम क्या, चेक इन क्या होता है, चेक इन होता है कस्टमर आ जाने के बाद उसकी एंट्री करनी पड़ती है तो वो उसको चेक इन बोलते हैं। चेक इन जब हमारे यहाँ सेम कस्टमर आ जाता है तो यहाँ नंबर से भी आप उसका डेटा फेच कर सकते हैं, नंबर आपने डाल दिया। नंबर और फाइंड पे क्लिक करना है तो ये डिटेल ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है, बाकी आप इन्फो जैसे कि चेक इन टाइम, चेक इन डेट वगैरह ये आप भर सकते हैं यहाँ। मगर न्यू पर्सन है तो हम न्यू पर्सन एक ऐड कर लेते हैं, न्यू पर्सन रमेश मस्के, एड्रेस पुणे, मोबाइल नंबर उसका डालना है तो यहाँ से आप डाल सकते हैं, जैसे कि 9 और उसका जो आईडी आप लेंगे तो वो पैन कार्ड है तो पैन कार्ड सिलेक्ट कीजिए। उसका फ़ोटो भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, ब्राउज में आप फ़ोटो सिलेक्ट कीजिए, अपलोड पे क्लिक कीजिए और बाद में सबमिट बोल देना इन्फॉर्मेशन फिलअप होने के बाद। तो यहाँ पर्पस भी लिख सकते हैं किस पर्पस से बंदा आया, जीएसटी नंबर है उसका, कंपनी का बंदा है तो उसको जीएसटी का बिल लगेगा तो उसका भी जीएसटी नंबर आप ले सकते हो।
चेक इन डेट कौन से तारीख को आया, चेक इन टाइम कौन से टाइम पे हमारे यहाँ आया है, नंबर ऑफ डे कितने दिन तक रुकने वाला है, और चेक आउट डेट। आप ये चेक आउट डेट मीन्स कब जाने वाला है, तो आप ये 18 तारीख को जाना है और ये सुबह जाने वाला है, तो हम यहाँ AM कर देते हैं। नंबर ऑफ अभी वो रुकेगा, एक 108 रूम में, तो वो है AC, उसका रेट है 1400, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2, नंबर ऑफ एडल्ट 2, और हम क्या बोल देते हैं सबमिट, रूम इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई है, यहाँ देख सकते हैं डेटा ऐड है। डू यू वांट टू ऐड एक्स्ट्रा गेस्ट, तो एक्स्ट्रा गेस्ट ऐड करने के लिए आप यहाँ ऐड गेस्ट पे भी क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, मगर कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ इतनी भी डिटेल आपने फिलअप की तो बहुत है। ओके अभी क्या करना है, आप हम जाएंगे डायल बोर्ड पे, आप यहाँ देख सकते हैं कि 108 नंबर की रूम बुक हो गई है, अभी देख सकते हैं रेंट कितना है 1400 जो हमने वहाँ देखा था। अभी ये बंदा को आपको बिल देना है, तो क्या करेंगे, अभी बिल देना है और ये बंदा जाने वाला है, तो ये रूम पे क्लिक कीजिए, रूम पे क्लिक करने के बाद फाइंड बोल दीजिए, फाइंड बोल देने के बाद ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगी, और उस बंदे ने कैसे पेमेंट किया है, कैश कार्ड QR कोड, तो अब हम बोलेंगे कैश, कैश कितना दिया है 1500, जो भी है ना क्या 1568 रुपीज़, और क्या बोल देते हैं सेव, ओनली सेव हो गया, सेव हो जाने के बाद फाइनल बिल कर देते हैं। यहाँ प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रिंटर है तो, नहीं है तो PDF सेव करके आप उनको PDF दे सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, वाईफाई प्रिंटर रहेगा तो आप मोबाइल से भी बिल बना सकते हो। अभी यहाँ आप देख सकते हो ये है इनवाइस, यहाँ रूम नंबर, एडल्ट नंबर ऑफ एडल्ट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, चेक इन डेट, चेक इन टाइम और चेक आउट डेट एंड टाइम, नंबर ऑफ डे कितने दिन तक रुका है 1 डे, और रेट, और ये है अमाउंट। हम क्लोज कर देते हैं अभी ये विंडो, और अमाउंट इन वर्ड भी अवेलेबल है। अभी ये चेकआउट हो गया, बिल तो हो गया, कंफर्म कंप्लीट चेकआउट कंफर्म। हम अभी डैशबोर्ड पे जाएंगे, तो यहाँ ये रूम देख सकते हैं आप, रेड कलर हट गया, अभी स्काई ब्लू कलर में दिख रहा है, तो अभी दो ही रूम ऑक्यूपाइड हैं। अभी डर्टी रूम है 3, तो अभी हमें ये साफ करनी है, सपोज हमें हमारा जो कर्मचारी रहेंगे उन्होंने साफ कर दिया, तो हम डर्टी रूम पे जाएंगे, और रूम नंबर 108 साफ हो गया है, तो डन बोल दीजिए। अभी डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ दो ही रूम दिखेंगे, आप देख सकते हैं अभी दो रूम साफ करने के बाकी है। इस तरह बाकी क्या है इसमें, आप यहाँ गेस्ट लिस्ट देख सकते हैं, सपोज आपको क्या करना है, किसी की बिल अमाउंट, वो बंदा बोल रहा है कि थोड़ा कम करो यार, ये बहुत ज़्यादा हो गया है नहीं क्या, तो अब हम क्या करेंगे, अभी ये बंदे को आपको बिल कम करके देना है, तो एडिट पे गए, गेस्ट लिस्ट पे जाने के बाद एडिट पे जाना है, एडिट पे जाने के बाद यहाँ जो रेट है कितना है 1400, 1400 की जगह मैं क्या कर देता हूँ 1300, 1350 कर लेता हूँ, अभी 50 रुपये कम किए, अपडेट बोल देता हूँ, कितना नंबर है ये गेस्ट आईडी हमें चाहिए और फिर से बिल देना है, तो हम क्या करेंगे, बिल बनाने के लिए सर्विसेज में जाएंगे, चेकआउट, चेकआउट पे जाने के बाद यहाँ नंबर डाल दिया, फाइंड बोल दिया, ये कस्टमर की डिटेल आ गई, यहाँ देख सकते हैं रेंट कितना गया, हमने अपडेट कर लिया, अभी
अभी सेव बोल दिया, सेव बोल देने के बाद फाइनल बिल व्यू, अभी बिल में देख सकते हो आप कितना आ गया, 1350। इस तरह हमने ये अमाउंट अपडेट कर दिया। ओके, तो ये सिंपल एप्लीकेशन है और ये मोबाइल पे भी चलता है। इसका फायदा है कि आप मोबाइल से भी, पीसी नहीं है आपके पास तो मोबाइल से भी हैंडल कर सकते हो आप। और ये जीएसटी का रिपोर्ट चाहिए तो जीएसटी रिपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए, कितने दिन से कितने दिन तक रेंज सेलेक्ट कर दीजिए, 1 तारीख से आज तक का जीएसटी की फाइल डाउनलोड हो जाती है। ओके, अभी आपको चेंज पासवर्ड, पासवर्ड चेंज करना है तो चेंज पासवर्ड पे जाइए, करंट जो आपकी का पासवर्ड है वो डाल दीजिए और न्यू पासवर्ड जो आपको देना है वो न्यू पासवर्ड और सेम पासवर्ड के ही डाल के सबमिट बोल देना है, तो वो पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इस तरह ये सिंपल एप्लीकेशन है और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, आप मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको मोबाइल का व्यू दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये मोबाइल मैंने विंडो छोटी की तो वो एडजस्ट हो गया इस तरह। ये आपको रूम रिलीज़ करनी है, रूम नंबर 108, तो कहाँ जाएंगे आप, चेक इस रूम पे ही क्लिक कीजिए और चेकआउट बोल दीजिए और कन्फर्म। अभी डैशबोर्ड पे जाएंगे, अभी ये रूम हो गई है रिलीज़, स्टेटस मैंने अपडेट कर दिया है। तो इस होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये लॉज और रूम बुकिंग के लिए है और ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, आप मोबाइल से भी हैंडल कर सकते हो। आपके पास वाईफाई प्रिंटर है तो वो आप वाईफाई से भी बिल निकाल सकते हो और मोबाइल से आप मैनेज कर सकते हो, तो इतना इजीली हो सकता है। तो आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए आपके होटल के लिए तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, मेरा नंबर है 9011074525। ओके, धन्यवाद फ्रेंड्स।